स्टूडेंट कैसे हैं? जो आप देख रहे हैं टेक्निकल एकेडमी, तो बात करते हैं कि यहाँ पर दो टॉपिक्स के बारे में, एक न्यूमेरिकल्स है और एक आपका डायग्राम। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। तो बच्चों डायग्राम आपने कोशिश करनी है, एक तो पेंसिल डाइपनिंग करनी है, ठीक है। और मैं एक पेंसिल बता दूँ, फर्स्ट करें कि यहाँ पर अगर मैं कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि यूनिवर्सिटी शीट पर आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया, जितनी ज़्यादा नीट होगी ना उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी के भी सही क्वेश्चंस आने हैं और आपके डायग्राम पार्ट्स भी सही हैं। फर्स्ट करें ये मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। चलो जी मैं आपको मोनोपोली का बता रहा हूँ। अब जब आपने मोनोपोली का ये लेबरिंग करनी है, या फर्स्ट करें कि कोई भी आप डायग्राम, चले मैं करता हूँ कि मैं डिमांड की बनाता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ की पेन के साथ, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। याद रखें कि ये बच्चों जो डब्बे का फासला है सबका इक्वल होना चाहिए। अभी तो मैं रफरी बना रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ की, ठीक है। एक को मैं ऊपर रख देता हूँ बहुत ज़्यादा, एक को यहाँ पे, एक को इधर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सारा कुछ कैसे करना है बच्चों, फ्री हैंड कुछ भी नहीं करना आपने। ये देखें, क्लियर, प्रैक्टिस हो तो बड़ी जल्दी पहुँच जाता है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या करूँगा, ये जो आपके डॉट्स इनको आराम से आपने मिला देना, ये देखिए ये मेरी लाइन बनती है। अब आपने इसकी बच्चों लेबलिंग करनी है, डिटेल करनी है बॉर्डर के साथ। ये देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये है कोई एक्स एक्सिस हमेशा यहाँ पर आता है, और बच्चों ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्राइस वन, प्राइस टू, प्राइस थ्री, क्लियर हो गया। यहाँ पर पॉइंट के नाम ए बी सी। तो बच्चों ये लेबलिंग आपने करनी है, क्योंकि अब देखिए अगर तो मेरी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड कम होगी तो इसका एरो पीछे की तरफ जाएगा। तो बच्चों ये सारी जब लेबलिंग आप करोगे ना तो उसने आपको पूरे मार्क्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे लेबलिंग नहीं करते। एक और डायग्राम मैं आपको बताता हूँ इंडिफरेंस करके, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लाइन लगाई है बड़ी सी, बच्चों आपने बता दी नीट है दिखती। अभी डिफरेंस कर्व पे दो कर्व बनते हैं, ये जी इसी तरह आपने जैसे मैंने आपको बताया आपने बिल्कुल वैसे लेबलिंग करनी है। ये सबके नंबर होते हैं बच्चों को पता ही नहीं है, वो रफ सी डायग्राम गंदी सी बना के आ जाते हैं तो फिर वो नंबर सप्ली उन्हें देनी देनी है, ये रहे। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस कर्व का बताने लगा हूँ, दो कर्व होते हैं, एक अपर होता है, ये देखिए नहीं, कुछ कर्व जो है ना वो अपने हैंड से बनाने, लेकिन कोशिश करें उसमें ज़्यादा जो है ना वो टेढ़ापन ना हो। ये देखिए एक इंडिफरेंस कर्व वन है, एक इंडिफरेंस कर्व टू है, इसको आप मार्कर से लिखेंगे। तो ये इस तरह की डायग्राम्स आप लोगों ने बनानी तो बच्चों आपको नंबर मिल जाएंगे। लिखने का तरीका होता है, डेफिनेशन को कैसे आपने मेनटेन करना है, कैसे लिखना है, एटलीस्ट दो डेफिनेशन बनती है, एक से तो काम नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद आप बच्चों न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपके पास था दो तरह के, वैसे तो जो न्यूमेरिकल्स में पूछेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एम सी है, स्लोप ऑफ एम सी है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है, स्लोप ऑफ ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ये मोस्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक है प्राइस और जो है वो सप्लाई का, जो कि वो डायग्राम से बनता है, ठीक है, ये भी कर ले एहतियातन क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज का टाइम है, हफ्ते का भी इतवार का है, तो आप जो क्लासेस रात को होती है, मैंने पहले ही बताया था लेट नाइट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको गाइड भी किया जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने आना है तो मोस्ट वेलकम।